जय जगन्नाथ। अगर आपको एक्सेल में क्विक एनालिसिस करना है जिसमें हम लोग चार्ट्स बना सकते हैं जो कि आपका डाटा करेगा उसका अच्छे से विजुअलाइजेशन का ग्राफ दिखा सकते हैं, कैसे करते हैं उसको चलिए आप सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 18 के थ्रू से। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है आज, ये डे 4 है। हम लोग क्या करने वाला है, क्विक एनालिसिस करेंगे चार्ट्स बनाने के लिए। तो हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 17 को, जहाँ पे हम लोग फॉर्मेटिंग किस तरह का करते हैं उसके बारे में बातचीत किया था, आज का चार्ट्स का है। तो वहां पे मैं बताया था कि एक एग्जांपल लिया था जहाँ पे मैंने बताया था कि कोई एक मेडिकल स्टोर है और उसका 1 तारीख से लेके 9 तारीख तक 2025 का जनवरी महीना का डाटा है, उसका सेल्स कितना हुआ है। 1 तारीख को यहाँ पे 52,000 का सेल हुआ है, 2 तारीख को 45,000 का सेल हुआ है, बाकी 9 दिन का यहाँ पे डाटा में लिख के रखा हूँ। तो इसको कैसे आप विजुअलाइज कर सकते हो, अच्छे से चार्ट्स बना सकते हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो डाटा टेबल है उसको आप सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस क्यू लगा सकते हो, नहीं तो यहाँ पे देखो आइकन आ रहा है, इस आइकन के ऊपर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेटिंग के बारे में मैं ऑलरेडी डे 4 का क्वेश्चन नंबर 17 में अच्छा खासा मैं आपको बता दिया था, और आज हम लोग देखेंगे चार्ट्स के बारे में। ठीक है, जब आप चार्ट्स क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्लस्टर लाइन आएगा, क्लस्टर बार आएगा, यहाँ पे लाइन आएगा, स्कैटर आएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ यहाँ पे क्रिएट होके आ जाते हैं। अगर यहाँ पे मैं क्लस्टर लाइन में क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो पहला वाला मैं यहाँ पे क्लिक किया तो इस तरह का देखो आपका ग्राफ आ गया। तो यहाँ पे आप जा सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मेट है, डिजाइन है, डिजाइन में आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा डिजाइन आपको प्रेफरेबल है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगेगा उसी हिसाब से आपको जो विजुअलाइजेशन अच्छा लगता है, अच्छा विजुअलाइज आपको करवाता है तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये ब्लैक कलर का एक्टो है या ये भी एक्टो है, ठीक है, तो ये वाला मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे जो चार्ट टाइटल है यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि सेल्स रिपोर्ट यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि ये चार्ट टाइटल को मैं यहाँ पे बैकस्पेस मार के इसको डिलीट किया और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि सेल्स रिपोर्ट। ठीक है, तो इस तरह का आप क्या कर सकते हो कि उस चार्ट का नाम दे सकते हो, रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट आ गया, तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो रिप्रेजेंट हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हर एक तारीख का डाटा यहाँ पे दिया है, 1 तारीख से लेके 9 तारीख तक, ये एक्स एक्सिस में आ गया। आप यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे एक्सिस टाइटल भी अगर आप एक सिलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पे देखो एक्सिस टाइटल आ गया। तो ये लिख सकते हो कि डे के हिसाब से डे 1 डे 2 डे 3 इस तरह का आ रहा है। एक्सिस टाइटल वाई एक्सिस में ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सेल्स को रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ सेल्स को। तो ये 0 से लेके लगभग यहाँ पे 1 लाख तक का वैल्यू दिया है। तो इस तरह का आप क्या कर सकते हो कि अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो, इसको हम लोग क्लस्टर लाइन वाला चार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं दूसरा वाला दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये तो एक सेल हुआ है, मैंने और एक तो एग्जांपल सेटअप करके रखा हूँ। जैसे कि कोई मेडिकल स्टोर है तो उसका ऑफलाइन भी सेल होता है, ऑनलाइन भी सेल होता है, और यहाँ पे 1 तारीख से 9 तारीख का डाटा दिया हूँ, और ऑफलाइन का सेल का कुछ वैल्यू दिया हूँ और ऑनलाइन का भी सेल का वैल्यू कुछ दिया हूँ। ठीक है, तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, टोटल को भी इस तरह का सिलेक्ट करके आप जा सकते हो और ये आइकन को क्लिक करोगे क्विक एनालिसिस के लिए और चार्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे देखो क्लस्टर लाइन को, ये वाला लाइन को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्या कर सकते हो कि एक ही डाटा, जैसे मैं यहाँ पे ऊपर में दिखाया सिर्फ एक सेल्स को दिखाया यहाँ पे मैं, लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन सेल्स दिखाया। उसी हिसाब से अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है, हर एक प्रोडक्ट का हर दिन कितना कितना सेल हो रहा है उसको भी आप क्या कर सकते हो कि करके आप इस तरह का चार्ट कर सकते हो, चार्ट बना सकते हो और ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हो। विजुअलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, चार्ट का टाइटल आप नाम दे सकते हो आपके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट अगर यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे डिजाइन में चले जाइए, डिजाइन में जाने के बाद आप उस चार्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, इस तरह का भी आपको आ सकता है। और यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक करने के बाद भी ब्लैक कलर का भी यहाँ पे आ जाता है, ये वाला भी है। ठीक है, तो आपको जो पसंद है उसको आप मतलब सिलेक्ट कर सकते हो, और ब्लैक कलर में अच्छा रिप्रेजेंट होता है, जब भी मतलब बड़ा स्क्रीन में कोई पीपीटी दे रहा है, पावर प्रेजेंटेशन दे रहा है, वहां पे आप दिखाने के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे प्लस साइन में यहाँ पे जा सकते हो, एक्सिस का टाइटल को भी आप दे सकते हो, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया, उस टाइटल को अगर नाम देना चाहते हो। ठीक है, चार्ट का टाइटल यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो ये वाला ऑप्शन आता है, तो इसको
यहाँ पे जहां पे भी आप रखोगे उसी हिसाब से मूव भी कर सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है और मूव करना है। तो नेक्स्ट और क्या देख सकते हैं, डाटा लेबल है। देखो डाटा लेबल को यहाँ पे हटा देता हूँ तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, लेकिन जब आप डाटा लेबल को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो ना, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली क्या दिखा रहा है, यहाँ पे मैं जब इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ ये डायरेक्ट ऑफलाइन सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितना भी यहाँ पे ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऑफलाइन सेल्स दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि ऑफलाइन सेल दिखा रहा है लेकिन उसका वैल्यू नहीं दिखा रहा है। तो वैल्यू को आप सिलेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि डाटा लेबल को आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो इसका भी डाटा लेबल लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1 जनवरी 2025 में 52,000 का सेल हुआ है ऑफलाइन में, और रेड कलर ऑनलाइन को रिप्रेजेंट करता है तो 34,000 रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह का आप क्या कर सकते हो कि ग्राफ बना सकते हो। ये सिर्फ मैं मतलब आपका जो क्लस्टर लाइन है उसका मैंने यहाँ पे ग्राफ करके दिखाया, ठीक है। और भी आप डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हो, क्लस्टर बार भी कर सकते हो। इसको आप सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल क्यू या एक आइकन को आप सिलेक्ट कर सकते हो, चार्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्लस्टर का ये वाला लाइन ग्राफ है, और यहाँ पे मोर ऑप्शन भी दिया है। ये मोर ऑप्शन देने के टाइम में क्या हो जाता है कि पूरा जो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट है उसको आप यूज कर सकते हो। जैसे ऑल चार्ट में अगर मारोगे यहाँ पे लाइन चार्ट आता है, इस तरह का चार्ट आपको दिखाई देगा। पाई चार्ट भी आता है, देखो पाई चार्ट को भी आप सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पाई चार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये सिर्फ ऑफलाइन का डाटा है। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अगर देखना चाहते हो कौन सा तारीख को कौन सा कितना सेल हुआ है उसको ऊपर दिखा देता है, परसेंटेज के हिसाब से भी यहाँ पे दिखा देता है। तो वो आप जिस तरह का करना चाहते हो उस तरह का पाई चार्ट में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। बहुत सुंदर सा डायग्राम करके यहाँ पे दिखाया है, आप अच्छे से देख सकते हो और क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको चार्ट का ऑप्शन आता है, सिंपल क्या करना है, क्विक एनालिसिस में इसको कंट्रोल प्लस क्यू मारोगे या सिलेक्ट करोगे, और यहाँ पे आपके क्लस्टर, ये देखो क्लस्टर बार वाला ऑप्शन दिया है। तो क्लस्टर बार मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इस तरह दिखाएगा, ये 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख, 1 से लेके 9 तारीख का डाटा है। और इसको अगर थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं तो आपको अच्छे से यहाँ पे भी रिप्रेजेंट होके आ जाएगा। तो इस तरह का आप इसको क्लस्टर बार चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि एक्सिस टाइटल कर सकते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में डाटा एंट्री कर सकते हो, और यहाँ पे डाटा लेबल क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे बोलोगे कि 9 तारीख का कितना ऑफलाइन में हुआ है कितना ऑनलाइन में हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो रेड कलर 34,000 का यहाँ पे ऑनलाइन में हुआ है, और ब्लू कलर का 48,000 का ऑफलाइन में हुआ है। ये कौन सा तारीख में हुआ था, ये तारीख हुआ था 9 तारीख को। तो इस तरह का विजुअलाइज करने के लिए बहुत ईजी रहता है क्विक एनालिसिस में, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ के लिए आप डिफरेंट टेक्निक यूज कर सकते हो, डिफरेंट चार्ट्स यूज कर सकते हो। तो आपको जो रिप्रेजेंट करने के लिए अच्छा लगेगा उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं फिर से सिलेक्ट कर दिया, और सिलेक्ट करने के बाद चार्ट्स में चला गया। और क्या है, स्टैक्ड वाला है, और ये क्या है स्टैक्ड मतलब, जैसे कि ये ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर ऑफलाइन सेल्स को रिप्रेजेंट करता है, रेड कलर जो है ये क्या करता है कि ऑनलाइन सेल्स करता है, मतलब एक सेल के ऊपर दूसरा वाला दिखा देता है। ये वाला ऑफलाइन सेल है, ये वाला ऑनलाइन सेल है। ये दोनों को देखने से पता चल जाता है कि ऑफलाइन सेल में ज्यादा क्या हुआ है कि सेल हुआ है। ये वाला भी देख सकते हो यहाँ पे, ये वाला देख सकते हो, ये 3 नंबर 3 तारीख को यहाँ पे देख सकते हो कि भाई रेड वाला जो है ऑनलाइन सेल है, और ये वाला 3 तारीख को अगर हम लोग देखेंगे 56,000 का सेल हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो ये 56,000 का सेल हुआ है। अगर 3 तारीख का ब्लू कलर का हम लोग देखेंगे तो 30,000 का सेल हुआ है। तो उसी हिसाब से ग्राफ देखने देखने के बाद ही पता चल जाता है कि कितना सेल्स हुआ है, ठीक है। कलर का कोडिंग करने के लिए, इसको ब्लैक करने के लिए इस तरह का आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह का आप क्विक एनालिसिस करके आप क्या कर सकते हो कि अपना चार्ट बना सकते हो, अच्छा खासा विजुअलाइज कर सकते हो अपना डाटा को। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।